हाय दोस्तों, आज मैं द नाइट ईट्स द वर्ल्ड ये जॉम्बी मूवी लेके आई हूँ। ये एक जॉम्बी सर्वाइवर मूवी है एंड थोड़ी सी अलग है। IMDB पे इसको 6 की रेटिंग है। सो कहानी की शुरुआत होती है प्रोटैगनिस्ट सैम से, जो कि पेरिस में एक म्यूजिशियन था। एक दिन वो अपने गर्लफ्रेंड फैनी के घर जाता है क्योंकि उसके म्यूजिक के टेप्स उसके घर पे पड़े थे। लेकिन वहां जाने के बाद पता चलता है फैनी के घर में पार्टी चल रही थी। ये देख के वो थोड़ा सा नाराज होता है कि तुम पहले मुझे बता देती, और फैनी को वो अपने टेप्स मांगता है। तो फैनी जानबूझ के सैम को इंतजार करने के लिए कहती है। काफी वक्त जाने के बाद परेशान होकर सैम वापस फैनी से पूछने जाता है कि भाई टेप्स कहाँ है। तभी वो कहती है कि अरे सैम, तुम अभी तक यहाँ हो, टेप तो सामने के ही रूम में थी। अब सैम को गुस्सा आता है और वो परेशान होकर अपने टेप्स लेने के लिए सामने के रूम में जाता है। लेकिन एक इंसान बीच में ही उसे टकरा जाता है और सैम को नाक पे चोट आती है। जैसे ही वो टेप का बॉक्स लेने के लिए नीचे झुकता है, वो बेहोश होने लगता है। इसीलिए वही एक बेड पे वो सो जाता है इस बंद कमरे में। बैकग्राउंड में हम इस अपार्टमेंट से काफी लोगों की चीखें सुनते हैं। अब अगले सुबह उसके आँख खुलने के बाद अपने टेप का बॉक्स उठा के रूम से बाहर आता है। बाहर का नजारा देख तो वो काफी डर जाता है। चारों तरफ दीवार पे खून लगा हुआ था, मानो बहुत ही खतरनाक खून खराबा हुआ था। नीचे जाने पर उसे फैनी सीढ़ियों पे बैठी दिखाई देती है। उसके पास जाकर उसे वो पुकारता है और तभी हम फैनी को देखते हैं। वो पूरी ज़ॉम्बी बन गई थी, उसका चेहरा आधा कटा हुआ था और आवाज सुनते ही वो सैम पे अटैक करने लगती है। सैम किसी तरह से वापस फ्लैट में आके दरवाजा बंद करता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक रात में ऐसा क्या हुआ। वापस फ्लैट में आने के बाद वो खिड़की से देखने लगता है कि उसकी नजर एक फैमिली पे जाती है जो गाड़ी से भाग रहे थे। लेकिन देखते ही देखते वो सब लोग ज़ॉम्बीज के चंगुल में फंस जाते हैं और उनकी चीखों के साथ ही वो गुजर जाते हैं। डरा हुआ सैम ये सब कुछ प्रोसेस करने की कोशिश करता है। तभी अचानक से उसे नीचे के कमरे से कुछ आवाज आती है। कान लगाकर सुनने ही जाता है तो वहाँ का कुछ फ्लोर टूट जाता है और उसे होल से देखता है तो नीचे एक बुजुर्ग आदमी ने खुद को गोली मारी थी। अब सैम को लगता है कि इनके रूम के जरिए वो बाहर जा सकता है, इसलिए थोड़ा और फ्लोर तोड़ के वो नीचे के कमरे में जाता है, उन बुजुर्ग की राइफल और गोलियां लेता है और बाहर भागता है। वो सीढ़ियों से बिल्डिंग के नीचे पहुंचता है और मानो अभी वो भागने ही वाला था, लेकिन काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके ऊपर हमला करते हैं। वो डर के किसी तरह वापस बिल्डिंग के अंदर आता है और दरवाजा अंदर से बंद कर देता है। अब वो इसी बिल्डिंग में ट्रैप था। दरअसल ये बिल्डिंग का ऑफिस था। इसी रूम में उसे खाने का कुछ सामान मिलता है। काफी भूखा था इसीलिए कुछ खा लेता है और उसकी नजर कुछ चाबियों पे जाती है। दरअसल ये बिल्डिंग का ऑफिस था और यहाँ पे अलग अलग फ्लैट्स की चाबियां रखी हुई थी। थोड़ी देर के बाद वो चुपचाप बाहर जाने की कोशिश करता है सारी चाबियां लेके और अलग अलग फ्लैट्स ओपन करने की कोशिश करता है कि शायद उसे बाहर जाने का कुछ रास्ता मिले या एक जगह पे थोड़ी देर के लिए वो रह सके। लेकिन कुछ रूम में तो उसे ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं जो इसके ऊपर हमला करते हैं, तो कई दूसरे रूम में उसे इंसानों की लाशें मिलती हैं। अब कैसे जैसे एक फ्लैट उसे मिलता है जिसमें कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हुए थे। अब दोस्तों सैम खुद म्यूजिशियन था, इसीलिए वो वहाँ के सारे इंस्ट्रूमेंट एक दूसरे अपार्टमेंट में लाता है। ये अपार्टमेंट थोड़ा क्लीन था और वो यहीं पे रहने का फैसला करता है, कुछ साफ सफाई कर लेता है और सारे इंस्ट्रूमेंट सेटअप करता है। रेडियो पे बाहर क्या हो रहा है ये देखने की कोशिश करता है और उसी में उसकी आंख लग जाती है। अब इसी तरह सैम का पहला दिन बीत जाता है। अगले दिन उसकी आंख खुलते हैं, वो देखता है कि ये ज़ॉम्बीज अभी भी जिंदा है। अब उसको काफी भूख लगी थी, इसलिए आसपास के अपार्टमेंट से खाना वो अपने अपार्टमेंट में ला के स्टोर करता है ताकि आने वाले कुछ दिनों में उसे खाने की कमी ना हो। इसके पास अभी खाने का सप्लाई काफी था, एटलीस्ट 2 से 3 महीने तो बीत जाते आराम से। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी वो सेटअप करता है ताकि उसका टाइम कटता रहे। अब दोस्तों देखते ही देखते ऐसे ही उसके 15-16 दिन निकल जाते हैं। अगले ही दिन उसके अपार्टमेंट में उसे एक बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है और उसे पता चलता है कि अपार्टमेंट में एक लाश है। पहले तो वो लाश को रैप करके नीचे ज़ॉम्बीज के बीच में ही फेंकने वाला था, लेकिन उसे रियलाइज होता है कि ऐसे किसी इंसान को अलविदा नहीं कहते। इसीलिए वो एक रूम में लाता है और रिस्पेक्टफुली सारी चीजें उसके आसपास रख के वहां से निकल जाता है। अब इन सारी चीजों के कारण उसे काफी स्ट्रेस हो रहा था। वो अकेला यहाँ पे ट्रैप है, कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं है, आसपास लाशों का ढेर है। इसी स्ट्रेस के बाद वो शावर लेता है और थोड़ी देर के बाद बिल्डिंग का पानी भी खत्म हो जाता है। सैम बिल्डिंग के छत पे काफी सारे बर्तन रखता है ताकि बारिश का पानी वो यूज कर सके। अब देखते ही देखते 1 से 2 महीने बीत चुके थे, यही बिल्डिंग मानो उसका घर बन गया था, लेकिन बात करने के लिए एक भी इंसान नहीं था। तो यहाँ पे बिल्डिंग के लिफ्ट में अल्फ्रेड नाम का एक ज़ॉम्बी ट्रैप था, जो कि पहले सैम को देख के तो अग्रेसिव होता था, लेकिन सैम इतना अकेला हो चुका था कि घंटों तक वो अल्फ्रेड से बात किया करता था। वो एक दिन उसे कहता है,
कि पता नहीं मेरी माँ का क्या हुआ होगा, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकती, शायद कैंसर या कार एक्सीडेंट से। तो अच्छा ही है कि उन्हें शायद इजी मौत मिली होगी। हर जगह ज़ॉम्बीज दिखाई दे रहे हैं, शायद ज़ॉम्बीज अभी न्यू नॉर्मल है और अभी मैं एक अबनॉर्मल इंसान हूँ। अब एक दिन सुबह उसे खिड़की से बिल्ली दिखाई देती है, उसे लगता है ज़ॉम्बीज उस पर अटैक करेंगे, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए जाता है और देखते ही देखते बिल्डिंग के बाहर चला जाता है। लेकिन उसे रियलाइज नहीं होता ज़ॉम्बीज के बीच में वो फंस गया था। ये देख के वो साइड में एक गाड़ी थी उसी में छुप जाता है और ज़ॉम्बीज उसे दबोच लेते हैं। लेकिन कैसे तैसे वो वापस भागकर अपने बिल्डिंग में चला आता है और खुद को लॉक करता है। अपार्टमेंट में आने के बाद खिड़की से वो उस बिल्ली को देखने की कोशिश करता है। दरअसल वो बिल्ली एक ज़ॉम्बीज के साइड में जाके खड़ी हो जाती है। यानी जैसे सैम ने कहा था, इवन जानवरों के लिए भी ज़ॉम्बीज नॉर्मल थे और इंसान अबनॉर्मल, इसीलिए वो बिल्ली सैम के पास नहीं आती। ये देख के सैम को काफी गुस्सा आता है, वो उस ज़ॉम्बी को शूट करता है। ये ज़ॉम्बीज के साथ उसका काफी क्लोज एनकाउंटर था जहाँ पे उन्होंने उसे टच किया था। सैम के पैर से भी खून आ रहा था, उसे लगता है कि उसे ज़ॉम्बी ने काटा है, इसीलिए वो हर जगह देखने लगता है। लेकिन वो एक नॉर्मल जख्म थी, लेकिन वो काफी डिप्रेस हो चुका था इसीलिए खुद को मारने की कोशिश करता है लेकिन मार नहीं पाता। स्ट्रेस्ड आउट सैम जोरों से चीखने लगता है कि ये सब कुछ कब खत्म होगा और मैं फ्री हो जाऊंगा। 3 से 4 महीने बीत गए थे, मौसम बदल गया था, ठंड बढ़ गई थी, ज़ॉम्बीज भी रास्ते पे दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन सैम को पता था कि वो आसपास ही होंगे। उन्हें जानबूझ के उकसाने के लिए ये ड्रम बजाने लगता है और सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के नीचे आ जाता है। तभी उसे घर में एक साया दिखाई देता है, दरवाजे के उस तरफ कोई था, इसीलिए वो बिना सोचे समझे सीधा गोलियां चलाने लगता है। दरवाजा जब खोलता है तब पता चलता है एक लड़की अधमरे हालत में थी। ये देख के सैम हैरान हो जाता है कि ये ज़ॉम्बी नहीं है, लड़की है। उसे अंदर लेता है और शरीर से सारे बुलेट्स एक एक करके निकालता है और बैंडेज लगा के उसे आराम करने देता है। अब अगली सुबह तक उस लड़की को होश आता है, वो बताती है कि उसका नाम सारा है। सैम उसे बताता है कि उसे लग रहा था कि वो इकलौता सर्वाइवर है इस पूरे पेरिस में, तो सारा कहती है कि नहीं और भी सर्वाइवर्स रहेंगे। और वो यहाँ से कुछ ही बिल्डिंग दूर रहती थी और बिल्डिंग के छत से somehow वो यहाँ तक पहुंची है। यहाँ पे सैम सारा को देख के काफी खुश हुआ था कि एटलीस्ट कोई तो है उसके साथ बात करने के लिए। वो उसे अपने खाने पीने का सप्लाई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दिखाता है कि यहाँ पे हम कुछ महीनों तक तो रह सकते हैं आराम से। सैम खाने का कुछ सामान लेने के लिए दूसरे फ्लैट में चला जाता है। जब वो वापस आता है तब सारा उसे फ्लैट में नहीं दिखती। वो डर जाता है और ऊपर टेरेस पे देखने जाता है तो वो ऊपर ही थी। इनफैक्ट वो यहाँ से निकलने का रास्ता देख रही थी ताकि वो सैम के साथ यहाँ से निकल जाए। ये सुनने के बाद सैम तो उसे कहता है कि तुम पागल हो क्या, पूरा शहर ज़ॉम्बी से भरा पड़ा है, यहाँ पे हम कुछ महीनों तक तो रह सकते हैं। तो सारा कहती है कि नहीं, शायद ज़ॉम्बीज वापस आ सकते हैं। और इसी में इन दोनों का आर्गुमेंट शुरू होता है जहाँ पे सारा उसे कहती है कि अगर ज़ॉम्बीज भी नहीं आए तो भी हम अकेले रह के पागल हो जाएंगे, इससे अच्छा तो है कि हम यहाँ से निकल जाएं। लेकिन आर्गुमेंट काफी हीटेड हो जाता है, इसीलिए सारा वापस अपार्टमेंट में आके खुद को लॉक करती है और सैम काफी देर तक उसे मनाने लगता है, लेकिन दरवाजे से कोई भी आवाज नहीं आती। और तभी सैम को कुछ क्लिक होता है और उसे दूसरे अपार्टमेंट में आता है जहाँ पे उसने लाश रखी थी और उसे वहाँ पे सारा की लाश दिखाई देती है। यानी दोस्तों ऑल अलोंग सारा कभी जिंदा ही नहीं थी, सारा ये सैम की इमेजिनेशन थी। सैम के सबकॉन्शियस माइंड ने वो लाश देखी थी और उसी का रूप लेके वो सैम के ही जो विचार थे कि इस बिल्डिंग से निकल जाना है, यही विचार सारा के जरिए उसके सामने आ रहे थे। क्योंकि सैम इस अपार्टमेंट में रह के पागल हो रहा था, सुसाइडल थॉट्स उसके दिमाग में आ रहे थे, इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये एक सारा की इमेज उसके दिमाग ने उसके सामने लाई थी कि यहाँ पे रह के तुम मर जाओ, इससे अच्छा तो तुम बाहर निकल के खुद को एक चांस दो। इसीलिए वो बैग पैक करने लगता है, खाने पीने का सामान लेता है और उसके जो टेप्स है जिन्हें लेने के लिए वो यहाँ पे आया था ये यादें वो जलाता है। उसके बाद आखिरी में वो अल्फ्रेड को गुड बाय कहता है और लिफ्ट से उसे रिलीज करता है। अल्फ्रेड जो कि एक ज़ॉम्बी होने के बावजूद उस पे हमला नहीं करता, मानो सैम भी उसका एक अकेलेपन का साथी था। अल्फ्रेड चुपचाप वहां से निकल जाता है और सैम उसे एक रूम में बंद करता है। अब यहाँ पे आग लगने के कारण फायर अलार्म बजने लगता है और इमरजेंसी गेट्स खुल जाते हैं और सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग में घुस जाते हैं सैम के कमरे में। ये देख के सैम उन पे फायरिंग करने लगता है लेकिन उसका कुछ फायदा ही नहीं था, ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा थे। वो खुद को लिफ्ट में लॉक करता है लेकिन ज़ॉम्बीज से वो बचने वाला नहीं था, वो ट्रैप हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर एक ओपन पैसेज पे जाती है।
जिसपे से वो चढ़ के ऊपर के फ्लोर पे आता है अपने रूम में, जहाँ पे पूरा धुआं हुआ था और ज़ॉम्बीज भरे पड़े थे। कैसे तैसे वो वहां से निकल कर टेरेस पे आ पहुंचता है, लेकिन आवाज के कारण सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े थे। कैसे तैसे वो जल्दबाजी में रस्सी का हुक सामने के बिल्डिंग में डाल के उसे पोजीशन करता है और उसी रस्सी की मदद से वो बिल्डिंग के दूसरे पार चला जाता है, लेकिन चोट लगने के कारण बेहोश होता है। थोड़ी देर के बाद जब वो छत पे चढ़ता है तब उसे पूरा शहर खाली दिखाई देता है, लेकिन आवाज से पता चलता है कि कोई और सर्वाइवर्स भी है और मूवी इधर ही खत्म हो जाती है। ओपन एंडेड फिल्म है और बाकी जो ज़ॉम्बीज की मूवी देखी थी उससे थोड़ी अलग है, शायद रियलिस्टिक मूवी भी है, जहाँ पे ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होने के बाद जो लोग घर में फंस जाते हैं उनके साथ क्या होता है, यही हमें इस मूवी से पता चलता है। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे बताना, और अगर लॉकडाउन में आपके दिमाग ने भी ऐसे ही कुछ खेल आपके साथ किए होंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।